यानी कि अगर ये सिंपल वर्ड में बोले तो बच्चा बड़ा कैसे हो गया, ठीक है, ये पढ़ लो, नॉट कि मंदा बच्चा बाकी हो जाए। जैसे बटरफ्लाई की बात करें, ठीक है, तो बटरफ्लाई अपना एक देती है, बटरफ्लाई के एक से फिर क्या बनता है तुम्हारा, लार्वा, लार्वा बना और उसके बाद एनिमेशन भी खा लिया, वो लार्वा जो है लीफ खाता है, ठीक है, लीफ खाया, लीफ पे लार्वा कीड़ा हो गया, क्या कर देगा वो, जो भी कॉटन में प्लांट करेगा और उसको पता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब एक दो टाइम तक वो रहता है खाता, कुछ टाइम के बाद उसके बॉडी से कुछ चीज का सिक्रीशन, वो सिक्रीशन उसको पूरा घेर लेता है, पूरा घेर लेता है जो भागा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं प्यूपा या कोकून बोलते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग सेलफोन में लिखा होता है, और अगर उसे सेलफोन नहीं लिखा रही है तो पूरा घेरा पड़ गया भागा उसके ऊपर, कुछ दिन तक वो उसके अंदर रहेगा, तो भागे के अंदर एंड देन वो भी बहुत पता नहीं कर रहा है। दूसरा बात ये कि जब बटरफ्लाई तुम्हारे है ना खचाव हो रहा होता है, मतलब जब वो कुकुन के अंदर तो हमको उसको जब निकल रहा होता है बटरफ्लाई बन के, तो हमको उसको हेल्प नहीं करना चाहिए, अगर तुम उसको हेल्प करो तो ना निकाल देना तो वो मर जाते तो खुद ही निकल जाते, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग को देखना है फ्रॉग, फ्रॉग का भी देखेंगे कि पहले फ्रॉग फेंक देता है, फिर डायरेक्टर बनता है, फिर उसको लावा बनता है, फिर फ्रॉग, ठीक है। बटरफ्लाई ये एक है, बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई फीमेल, इसे क्या करते हैं कीड़ा जैसा, ये क्या करते हैं लीफ खाते हैं, इस क्या करते हैं कीड़ा के ऊपर कुछ टाइम के बाद कुछ चीज का सिक्रीशन, इसके वजह से वो पूरा भागा के लग जाता है, लाइक मम्मी देखी हो काफी समय लिखा है जिंदगी का चक्र चलते जैसे हम भी लोग है ना जिंदा हुए बड़े हुए जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं या उनकी पेरेंट्स की ये तो हम लोग कर रहे हैं, सेम साइकिल चल रहा है, तो वैसा ही इनके साथ, ठीक है। फिर से ये दूसरा अंडा देगी, उस अंडे से ढेर सारी कैटरपिलर बनेगी, ढेर सारा अंडा देगी ढेर सारी कैटरपिलर बनेगी, ढेर सारा कोकून बनेगा, ढेर सारे बटरफ्लाई बनेंगे, है ना। फिर जाओ जैसे क्लॉक
क्रॉप का क्या पढ़ा था हम लोग, क्रॉप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन वो बाहर मतलब पानी को क्या करता है, फीमेल अपना अंडा देती है, मेल अपना स्पर्म देता है और बाहर में फ्यूजन भी देता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये अंडा दिया, अंडा से क्या होगा सर, यहाँ तो टेंटेकल बना ना, टेंटेकल से फिर इसका लार्वा बना, फिर इसका ये क्रॉप बना, ठीक है, ऐसा स्टेप हुआ, देन ऐसा लिखा हुआ उस टाइम के बाद, देन ऐसा लिखा पूरा क्रॉप जैसे कंप्लीटली क्रॉप बना, समझ गए, तो तुम्हारे को मुझे दिखाया होगा। एक है, एक से क्या बना, टेंटेकल बना, इसको अलग डेवलपमेंट में, तब तक जब तक वो बच्चे से बड़ा ना हो,
रूप चेंज ना करे, जैसे उसे पैनल का रूप था, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, याद रखना, ठीक है? यानी जो उसके लाइफ साइकिल में पूरा चेंज आ रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो एक और चीज याद रखना कि ह्यूमन बीइंग में बॉडी पार्ट होते हैं यंग वन से वो एडल्ट से सिमिलर बट मैं बता चुके हम लोग बच्चे में ये ना बढ़ रहा है, ठीक है? ऐसा बोले कि ना आगे यहाँ पे ना क्या आगे का यहाँ ये रहेगा आगे का बचपन में आ रहा था ये रहेगा. चलो कितना देख लिया हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आते हैं एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर है? तो दिक्कत यानी एक ही पैरेंट से बच्चा बन जाता है, दो पैरेंट नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे होता बहुत टाइप का है लेकिन हम लोगों को पढ़ना दो टाइप एक है बड़े जो कि हाइड्रा में पड़े, ठीक है? यानी कि सब चीज समझो बड़े यानी बर्ड ना बर्ड बर्ड समझते हो तो पेड़ है क्या बर्ड होता है उससे चार बनता है तो वैसे बड़े से एक ओरियंटेशन बनता है, ठीक है? दूसरा पर है बाइनरी फ्यूजन यानी फ्यूजन मतलब टूटना दो भाग में टूटा, ठीक है? तो बड़े हाइड्रा में होता है और बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है. यही दो बात हम लोग को पढ़ना यही मल्टीपल रीजन भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है? वो तो नहीं पढ़ रहा तो पढ़ना ही जरूरी है. अब सुनो बड़े के क्या न्यू एंडिंग की कोई डेवलप किससे हो रहा है बड़े, ठीक है? किसमें होता है हाइड्रा में और ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं बड़े में. पहला सिर्फ ध्यान देना ये हाइड्रा था, ठीक है? हाइड्रा पे बर्ड नहीं बर्ड ग्रो किया बर्ड को भी टेंटिकल्स आ गए कि पर टेंटिकल्स थे ना तो जैसा बर्ड के पास भी टेंटिकल्स आ गई बट और ग्रो किया. अब देखो कोई लग मान लो छोटा सा पेड़ 10 पेड़ उसमें लग ज्यादा बड़ा होने लगेगा क्योंकि इसने ना ना तो लोड ले नहीं पा है ना. तो यही केस क्या होगा इतना का ठीक है भैया तुमको झेल है ज्यादा बड़े हो जाओगे तो उसको ना रखेंगे मेरे से अलग हो जाओ डिटैच हो जाओ ये बोलेगा ना. देख अगर घर की भी बात करें हम तो जॉइंट फैमिली एक लिमिट तक रहता है, ठीक है? जब तक ठीक है दो चार भाई बहन है जो भी है एक लिमिट तक ज्यादा फैमिली बड़ा हो जाएगा तो भाई कितना हो जाता है सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बढ़ जाता है कि भाई तुम अपना देख ही अपना है ना. तो वही है हाइड्रा भी बोला कि भाई जितना होगा ठीक है ज्यादा बड़े होंगे तो हम कहा रखेंगे हमको भी न्यूट्रिशन चाहिए मेरे से बहुत बढ़ गया, ठीक है? तो तुम मेरे से अलग हो मेरे से यहाँ से अलग हो ये टूट गई मेरे को, ठीक है? तो ये अब मैं मेरा हाइड्रा बनेगा मेरे इस हाइड्रा में बड़े होगा सिमिलर प्रोसेस होगा ग्रोथ होगा इसमें से फिर से अलग से ग्रोथ होगा समझी. ये प्रोसेस चल रहे हैं इसके बाद देखेंगे बाइनरी फ्यूजन देखो बाइनरी मतलब बता दी दो फ्यूजन मतलब डिविजन, ठीक है? तो एक वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? जिसमें सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड होता है दो इंडिविजुअल, ठीक है? दो भाग में बंटा ये है नाम से बदल रहा है बदल रहा है नाम से इसको क्या बोलते हैं बाइनरी. एग्जाम्पल जैसे अमीबा दो भाग में बांटता है अमीबा क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक सेल का हम लोग मल्टी सेल कहते हैं ना सिंगल सेल का मतलब सिंगल सेल तरीके से सिंगल सेल, ठीक है? तब कोई सेफ नहीं है भगवान ने सेफ दिया तो कोई सेफ जो सेफ मन करता है वो बना लेता है, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि ऐसा ऐसा ही तुम बनाओ किसी भी सेफ का बना लेना लेकिन ऐसा ही करना चाहिए ऐसे में ही अपने हिसाब से चलो ये पैरेंट सेल है पैरेंट सेल में क्या है अंदर न्यूक्लियस
सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पढ़े है ना, न्यूक्लियस डिवाइड किया, ठीक है, बाकी जो भी ऑर्गेनेल होंगे उसके पास सिंगल सेल तो क्या नहीं होगा, राइबोसोम तो होगा, वो डिवाइड करेगा, ओके, सब साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, यानी कि दो भाग में से बने, ठीक है, अंदर उसके बाद ये अलग हो गए, तो दो डॉटर सेल। अच्छा एक बात, पैरेंट सेल में मदर सेल लेते हैं, जो बच्चा बना डॉटर से लेते हैं, सन सेल और फादर सेल से लेते हैं, किसी भी यंग मदर को प्रोड्यूस करने को मदर रखते हैं ना, तो बस उस चीज को डिफाइन करने के लिए कि प्रोडक्शन है, नहीं तो प्रोडक्शन पता नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं रह रही है, इससे डिफाइन करने के बाद, ठीक है, ये तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। देखो हमारे सोसाइटी में चलो अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्शन इज गुड, इससे डिजीज खत्म नहीं हो रहे, पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है। अभी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत हो गया, केवल मिलियन क्रॉस कर चुका है, तो ज्यादा पॉपुलेशन होना भी दिक्कत है, बिकॉज फूड का नेसेसिटी है, खाने का नेसेसिटी हो गया, तुम्हारा रहने का उसमें दिक्कत हो रहा है लोगों को, है ना, तो उस चीजों पे हम लोगों को कंट्रोल करना होगा। अब बढ़ने का कारण क्या है, लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करते, इग्नोर करते हैं, है ना, ट्रेडिशनल बिलीफ है लोगों का कि लाइक बेबी है तो उसको मतलब इस तरीके से होना अच्छा होता है, फिर दवाई जो इतना आ गया है, मोर्टिलिटी रेट कम हो गई है, यानी लोग बीमार कम रहे हैं, तो उन सब वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बेटर तरीका ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाए, जैसे वो एक आया ना हम जो हमारे देश को भाई गरीब बच्चे रखो ज्यादा मत रखो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे उनका पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम होता है, लोगों को पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा है, उस चीजों पर भी देखना है, ठीक है, चैप्टर है जो ओवर, तो सेक्सुअल सेक्सुअल देखिए, सेक्शन में मेल का पार्ट देखिए, फीमेल का पार्ट देखिए, वो भी पेरस की पेरस का जो देखिए, वो भी पेरस जो अंडे देते हैं, भी भी पेरस जो बच्चे देते हैं, ठीक है, फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए, इंटरनल देखिए, जो हमारा रूम में होता है वो इंटरनल, जो बाहर होता है वो एक्सटर्नल, ठीक है, फिर अभी हम लोग क्या देखते हैं कि तुम्हारा ये सेक्शन रिप्रोडक्शन में कितने टाइम है, दो टाइम पढ़ने हैं लोगों को, तो बहुत पढ़ने तो पढ़ने की कितना बढ़ गई, फिर देखिए यंग वंस कैसे एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म में लोग तो वैसे ही, ठीक है, चैप्टर 1।